हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबने कुछ कोरियन नूडल्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट डिड यू नो राम्यान एंड रामन, जो पॉपुलरली यूज नेम्स हैं इन नूडल्स के लिए, ये दोनों अलग चीज़ हैं। रामन इज़ अ जापानीज डिश और राम्यान इज़ अ कोरियन नूडल्स, द इंस्टेंट कोरियन नूडल्स। तो अब शायद हमें थोड़ी सा करेक्टली प्रोनाउंस करना शुरू कर देना चाहिए। If you are a K-pop, K-drama fan, you would definitely relate with ramyeons. Generally, these noodles come with a vegetable mix, जिसमें थोड़ी सी different style की vegetables और कुछ colorful सी herbs होती हैं, और साथ में एक soup base होता है, अगर आपने soupy वाले लिए हैं। जैसे मैंने soupy वाला लिया तो मुझे एक soup base और vegetables मिले थे। तो ये है सूप बेस, इसकी खुशबू तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अलग सी है, मैगी मसाला जैसा नहीं है, पर अलग सी खुशबू है। ओ वाओ, एंड दिस इज़ लाइक सम कलरफुल वेजिटेबल्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हमारे वाले वेजिटेबल्स तो नहीं लग रहे हैं, पर इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, सुंदर लग रहा है। आई थिंक जो भी हो, नूडल्स सुंदर तो बनेंगे। तो आगे चल के बनते हैं, तो देखते हैं कैसे ये बनेंगे और कैसा टेस्ट करेंगे। पहले ज़रा रेसिपी देखी जाए। 2 1/3 कप्स ऑफ वाटर हमने ले लिए, उबलने रख दिया, और इसे 4.5 मिनट्स तक पकाना है, और फिर हिलाते हिलाते पका लेना है, और फिर खा लेना है। आपको मालूम है जो ट्रेडिशनल रामयॉन्स कोरिया में बनते हैं, वो वैरायटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन फ्लेवर्स के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया में इसके वेजिटेरियन फ्लेवर्स आने लग गए हैं। तो इंडिया में जब कोई चीज़ आती है तो हम उसको इंटरेस्टिंगली मॉडिफाई तो कर ही देते हैं। जैसे हमने सुशी को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके वेज वर्जन्स निकाल दिए। अब देखते हैं ये कैसा बनता है विद आर इंडियन वेजिटेरियन फ्लेवर्स। समहाउ मैंने तो बहुत तरह के इंस्टेंट नूडल्स ट्राई किए हैं, बट घूम फिर के हम मैगी पे ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि बस मैगी के बिना दिल ही नहीं लगता। एक टाइम था जब मैगी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, रिमेंबर, थोड़ी पतली पतली सी हो गई थी और वैसी टेस्ट नहीं करती थी। तब टॉप रेमन करी एंड टॉप रेमन मसाला नूडल्स पे काफ़ी लोग शिफ्ट हो गए थे, तो मैं भी उनमें से एक थी। बट देन फिर से मैगी वापस आई और हमें कुछ टाइम नहीं लगा मैगी को वापस खाने में। अब ये जो कोरियन रामयॉन्स हैं, ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और ये काफ़ी रिप्लेस कर रहे हैं। इसके इतने वर्जन्स हैं, इतने सारे स्पाइसी वर्जन्स हैं जो लोग ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बट मैं डेफिनेटली इसे मैगी से कंपेयर करना चाहूँगी कि क्या बेटर लगता है। मुझे लगता है ये अच्छा लगेगा, बट मैगी को बीट कर पाएगा या नहीं ये देखते हैं। आई कांट बिलीव मैंने अभी तक ये ट्राई ही नहीं किए हैं, बट फाइनली आज वो दिन आ गया है और मैं ट्राई तो कर ही लूँ। और मुझे खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी गर्म है लेकिन फिर भी अच्छा तो है, सुंदर भी दिख रहा है। बट आई थिंक चॉपस्टिक से खा के देखना चाहिए यार, जब कोरियन रामयॉन्स खा रहे हैं तो चॉपस्टिक से तो ट्राई करना बनता ही है। काफ़ी मुश्किल है चॉपस्टिक से खाना। मैंने काफ़ी टाइम बाद ली है, मुझे इससे प्रैक्टिस भी नहीं है और ऑनेस्टली कभी इतनी यूज़ भी नहीं की। बट ना थोड़ा कम ही मज़ा आता है, हमें तो हमारा फोक ही सही लगता है। पर आप लोग के लिए ये भी करके देख ही लेते हैं, इतने अमेजिंग सुंदर से रामयॉन्स बने हैं और ये चॉपस्टिक से मैं खा रही हूँ। लेट मी जस्ट कीप इट असाइड एंड कम बैक टू माई फोक। इसे इतनी मेहनत से, इतनी टाइम बाद बनाया है तो अच्छे से खाना चाहिए, फोक से प्रॉपरली। तो मैं इसे पीसफुली बैठ के इंजॉय करती हूँ, आप अपने घर में बना के इंजॉय कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।